नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम MTFE जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो भी बहुत ज्यादा तेजी रफ्तार से ग्रो हो रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। 10 पॉइंट देखेंगे दोस्तों और इसके साथ साथ हम नई अपडेट भी जानने वाले हैं कि एक्चुअल में करंट लेवल में MTFE में एक्चुअल में नई अपडेट क्या है, इस समय क्या चल रहा है। दोस्तों बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप इसमें सेटिंग में जाकर ना इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो इसकी स्पीड बढ़ाएं, 1.25x पर लगाएं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखें ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो दिख पाए। पहला पॉइंट है MTFE क्या है, MTFE कब स्टार्ट हुई। दूसरा पॉइंट है दोस्तों MTFE का मुख्य कार्यालय कहां पर है। तीसरा पॉइंट है क्या MTFE पर ट्रेडिंग करना सुरक्षित है, जेन्युइन है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमें, और क्या ये हमारे साथ स्कैम कर सकती है, रियल और फेक, इसके बारे में जानने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं MTFE में अभी कितनी राशि निवेश कर सकते हैं, मतलब हम यहां पर कितनी आईडी तक एक्चुअल में ले सकते हैं, क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट दोस्तों ये है MTFE से पैसा कैसे कमाएं। इस समय आपको नई नई टेक्निक्स देने वाला हूं कि MTFE में आप बेहतर पैसा कैसे कमा सकते हैं, MTFE में फंड कैसे जमा करें। मतलब कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि MTFE में एक्चुअल में हम पैसा कैसे डालें और आईडी कैसे क्रिएट करें, वो भी जानने वाले हैं। सातवां पॉइंट है दोस्तों MTFE का होनेस्ट रिव्यू जानने वाले हैं। आठवां पॉइंट है दोस्तों MTFE में विड्रॉल कैसे करें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है विड्रॉल की वो एक्चुअल में क्यों आ रही है। नौवां पॉइंट दोस्तों ये है MTFE कब तक चलेगा। दसवां पॉइंट दोस्तों ये है MTFE कब बंद हो सकता है। ये सारे 10 पॉइंट है हम MTFE के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। A टू Z सारी जानकारी मिलने वाली है आपको, अलग अलग वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि MTFE क्या है। MTFE दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको खुद से ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ पैसे निवेश करने हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, इसको ROI भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके पैसों से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 महीने में ही आपका आ जाता है और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेन बात क्या है, ये एक्चुअल में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों MTFE कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, MTFE कंपनी एक्चुअल में 2022 में स्टार्ट हुई थी, मतलब रजिस्टर हुई थी। पर यहां पर अगर हमने देखा एक्चुअल में SEO जब हमने किया इसका और जब हमने सारा डाटा कलेक्ट करा तो ये पता लगा कि 2021 में एक्चुअल में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी पर ये 2022 में रजिस्टर हुई है। MTFE का मुख्य कार्यालय कहां पर है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है। MTFE ने ये बताया कि हमारा मुख्य कार्यालय ओंटारियो मतलब कनाडा में है। MTFE क्या सुरक्षित है, तो दोस्तों जब हम इसको प्ले स्टोर पर देखते हैं तो 1 मिलियन से ज्यादा इसके एक्चुअल में डाउनलोड्स है पर वहां पर उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा कम है। और डाटा कलेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस भी अलाउ करेगा, पर डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोस्तों अभी तक किसी के साथ एक्चुअल में स्कैम फ्रॉड नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअल में MTFE में कम से कम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो $26 देने पड़ेंगे और $1 की वैल्यू दोस्तों ₹82 है, तो आप इसको गुना करके देख लीजिए कि आपके कितने बनते हैं। और इससे ऊपर जाने हैं तो मैं यहाँ पर चार्ट शो कर रहा हूँ और यहाँ पर आप अपने हिसाब से और आपको आप देख भी सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब जानते हैं दोस्तों MTFE कंपनी से हम पैसा कैसे कमाएं। पैसा कमाने के लिए दोस्तों 2 तरीके आएंगे, पहला तरीका आता है ट्रेडिंग और दूसरा तरीका आता है रेफरल बोनस। ट्रेडिंग के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर बताया गया दोस्तों AI टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर अपने आप ही ट्रेडिंग होगी। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपने सिर्फ पैसा लगाना है और ट्रेडिंग भी आपके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट हो जाएगी, तभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों रेफरल इनकम के बारे में बात करें तो रेफरल इनकम से आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, पर यहाँ पर दोस्तों इसकी पूरी अलग से वीडियो आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों रेफरल इनकम एक्चुअल में अच्छी है, जिससे एक्चुअल में इसका नेटवर्क अभी बढ़ता जा रहा है रेफरल इनकम के कारण। अब जानते हैं दोस्तों MTFE कंपनी में एक्चुअल में हम फंड कैसे जमा करें। दोस्तों MTFE में फंड जमा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास $26 होना जरूरी है। तो $26 होने के बाद दोस्तों आपको बाइनेंस पे अकाउंट बना लेना एक,
बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाने आता तो दोस्तों आप यूट्यूब पे और वीडियो भी देख सकते हैं बाइनेंस पे कैसे अकाउंट बनाता है, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों वो P2P प्लेटफॉर्म है जहां पे पर्सन टू पर्सन आपके जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर देगा। तो क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअल में USDT में वर्क करता है, तो यहां पर दोस्तों आपको INR के बदले दोस्तों कुछ अदर जो एक्चुअल में करेंसी है वो लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको बाइनेंस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर बाइनेंस पे अकाउंट बनाना भी नहीं आता दोस्तों तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपलाइन को आपने कहना है कि मेरी आईडी लगा दे, तो आपका अपलाइन उसकी जिम्मेवारी होगी, वो अपने आप आपकी आईडी लगा देगा। अब जानते हैं दोस्तों MTFE कंपनी में विड्रॉल कैसे करें। सबसे पहले आपको विड्रॉल करने के लिए इसमें अपना बैंक अकाउंट को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों MTFE ट्रेडिंग को आपने ओपन करना है, वॉलेट में जाना है और वॉलेट में जाने के बाद उसको आपने विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों MTFE कंपनी आपके अकाउंट में 1 से 2 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे डाल देती है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम भी आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे 1 से 2 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमारे अकाउंट में तक पैसे नहीं आए हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों दिक्कत क्या चल रही है, दिक्कत एक्चुअल में है बाइनेंस के ऊपर भी वर्क चल रहा है, जो P2P सर्विस एक्चुअल में वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कैमर्स अभी आ गए हैं और बहुत सारी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। तो उस दिक्कत को मिटाने के लिए एक्चुअल में हटाने के लिए दोस्तों यहां पर बाइनेंस पे जो अभी अपडेट्स चल रही है उसके कारण आपका जो पे आउट है वो डिले हो रहा है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और कुछ समय बाद दोस्तों आपका एक्चुअल में विड्रॉल आ जाएगा। और अगर उससे और कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने अपलाइन से बातचीत कर सकते हैं। अब जानने वाले दोस्तों MTFE कंपनी जो एक्चुअल में है वो कब तक चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक्चुअल में जो MTFE कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनियां दिन ब दिन आती रहती हैं और एक दिन में ना कम से कम 300-400 कंपनी यहां पर आती है और जाती भी है दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा निवेश नहीं करना है, अपने पैसा बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा पता कर सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी चल रही है और सभी को विड्रॉल मिल रहा है और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या पता आपको बहुत सारी इनकम आने लग जाए इसके अंदर अभी, है ना, कुछ पैसे लगाकर। तो दोस्तों कम पैसे लगाएं और उसको पहले पैसे निकालने की सोचें और वहां से दोस्तों ज्यादा रेफरल करके पैसे कमाने की बारे में सोचें। और दोस्तों कब तक चलेगा दोस्तों किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके मालिक का कोई अता पता नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों। जो इस तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो एक्चुअली बैन है यहां पर और ये रजिस्टर भी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करें, इसके ऊपर पागल मत हो, जैसे कि बहुत सारे अदर नेटवर्कर्स हो जाते हैं ना पागल किसी कंपनी के पीछे, तो इतना ज्यादा परेशान मत हो, पागल मत हो। अब जानते हैं दोस्तों एक्चुअल में MTFE कंपनी कब बंद हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ओपिनियन भी है और बहुत सारे लोग दोस्तों एक्चुअल में यूट्यूब पर राय दे रहे हैं ना अपनी अपनी, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सच्ची बात है बिल्कुल कि एक्चुअल में MTFE कंपनी कब बंद हो जाए ये किसी को नहीं पता दोस्तों। हाँ, पर ये भी पता है कि एक्चुअल में जैसे पर्लवाइन कंपनी आई थी उसका मालिक नहीं था कोई, ठीक है, अदर बहुत सारी कंपनी आई है, जैसे टेलविन लाइफ कंपनी चल रही है अभी तक उसके मालिक का आता पता नहीं है दोस्तों, पर लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए भी कमाए हैं, बहुत सारी कार अचीव करी है उसके अंदर दोस्तों। क्या पता इस तरह का सिस्टम भी हो जाए। फिर मैं दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि आपको कि ज्यादा पैसा मत लगाएं, कम पैसा लगाएं और वहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का नेटवर्क मत बनाएं, बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम के अंदर ना फंसे, ठीक है। तो कंपनी कब बंद हो जाए ये किसी को भी नहीं पता, क्या आप तक कल बंद हो जाए, क्या आप तक 1 साल, क्या आप तक 5 साल कमीशन हो, वो कंपनी के मालिक को ही पता होगा जो एक्चुअल में इसमें इस सिस्टम को स्टार्ट करा है, ठीक है। पर दोस्तों ये बता दूं जब दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी ना बहुत सारी इस कंपनी के अंदर, मतलब कि आपको विड्रॉल नहीं मिल रहा, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, तो ये सोच लेना कंपनी का द एंड आने वाला है या हो चुका है। अब दोस्तों जानने वाले एक्चुअल में इस कंपनी का होनेस्ट रिव्यू, दोस्तों लास्ट में सारा कुछ जानने वाले, कंक्लूजन जानने वाले कि एक्चुअल में कि रियल है फेक है, हो क्या सकता है सारा कुछ, ठीक है। तो इस कंपनी का एक्चुअल में होनेस्ट रिव्यू ये रहेगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता $26 या $50, $100, $200 से, तो आप कर लो, ठीक है, आपकी टीम भी बन जाएगी, आप पैसा भी कमाने लग जाओगे। पर अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप किसी से लेकर उधार मांग कर, या फिर आप मतलब आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, तो भी आप $26 लगा रहे हो और आप ये सोच रहे हो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो मैं कहूँगा कि मत ज्वाइन करें और मत अपना पैसा बर्बाद करें। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको ज्वाइन कर लो, कि आपका बहुत अच्छा पैसा हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यही रहेगा, अपने माइंड को देखना है कि आपका मन क्या कर रहा है एक्चुअल में, और अपने हाथ को देखना है, आपके पैसे के लेवल को देखना है कि आपके अभी कितना पैसा है, ठीक है, तो उसको देखना है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ दोस्तों, आसपास के लोगों से जोड़ने से ना आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपको एक्चुअल में जोड़ना भी है ना लोगों को, तो बाहर के लोगों को जोड़ो जो एक्चुअल में आपके घर पर ना आए अगले दिन, ठीक है।
दूर के लोगों को जोड़ो जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दूर हैं, और तो दोस्तों कुछ भी, क्योंकि दोस्तों कभी भी कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है, और कंपनी के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है, आपके घर आ जाएंगे सारे लोग और आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो भी करना है आज के समय में ना, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी करनी है दोस्तों, मतलब आँख बंद करके नहीं करना, अपडेट लेते रहें, देखते रहें एक्चुअल में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेते रहें, ठीक है। मतलब आँख बंद करके कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कभी आप ये सोचे कि हम लाइफ टाइम तक ये काम करने वाले हैं, दोस्तों ऐसी कंपनी तो नहीं है, होनेस्टी भी यही है कि लंबे समय चलने वाली कंपनी नहीं है, आज नहीं तो कल तो बंद हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों होनेस्टी भी यही है, और कुछ जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में या फिर अदर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।